उत्तराखंड में आपके वादों पर बीजेपी हमलावर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केजरीवाल पर किया कटाक्ष, कहा दिल्ली में 375 लोगों से ज्यादा लोगों को नहीं दिया रोजगार। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 4.5 साल के कार्यकाल के बारे में दी जानकारी, विपक्ष पर बोला हमला। कांग्रेस मीडिया प्रभारी गरिमा दसौली ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम केजरीवाल के हल्द्वानी दौरे पर बोला हमला, कहा वादे छलावा और राजनीति से प्रेरित। देहरादून में शिक्षक कर्मचारी का प्रदर्शन जारी, 18 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन, 5 अक्टूबर को करेंगे प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास देहरादून में नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की एटीएम युक्त 5 वित्तीय सुरक्षता वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन का विमोचन भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वित्तीय समावेशन और डिजिटल इंडिया मिशन को अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में ये सराहनीय प्रयास है। इन वाहनों का उपयोग राज्य की आम जनता को वित्तीय साक्षर बनाने एवं एटीएम के माध्यम से लेन देन करके डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने में किया जाएगा। सीएम ने ग्रामीण बैंक के वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। सीएम ने ग्रामीण बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास देहरादून में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की एटीएम युक्त 5 वित्तीय साक्षरता वाहनों का फ्लैग ऑफ किया है। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन का विमोचन भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वित्तीय समावेशन और डिजिटल इंडिया मिशन को अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। उत्तराखंड के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और रोजगार देने की आम आदमी पार्टी के दावे पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 375 लोगों से ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल छलिया किस्म के आदमी है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले आदमी है और उत्तराखंड की जनता सब जानती है जो केजरीवाल के बहकावे में नहीं आएगी। उत्तराखंड के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और रोजगार देने के आम आदमी पार्टी के दावे पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कटाक्ष किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे ही उत्तराखंड पहुंचते उन्होंने वादों की बौछार कर दी, जिसको लेकर के अब राजनीति दौर शुरू हो गया है। लगातार सभी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 375 लोगों से ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल छलिया किस्म के आदमी है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले आदमी है और उत्तराखंड की जनता सब जानती है जो केजरीवाल के बहकावे में नहीं आने वाली है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां बीजेपी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के साथ प्रदेश के विकास के लिए बेहतर कार्य किए हैं। इसके साथ ही जोशी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जिन लोगों को हमारी सरकार के कामकाज दिखाई नहीं देते वो अपना चश्मा ठीक करवा लें। 2013 से 2017 तक के सरकार के बजटीय
प्रोविजन की तुलना 2017 से बनी हमारी सरकार के बजटीय प्रोविजन से कर लें, उन्हें पता चल जाएगा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार के 4.5 साल के कार्यों की जानकारी दी है, तो वहीं विपक्ष पर जोरदार हमला भी बोला है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के साथ प्रदेश के विकास के लिए बेहतर कार्य किए हैं, यानी कि हर एक मुद्दे पर काम किया गया है। साथ ही साथ जोशी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जिन लोगों को हमारी सरकार का कामकाज नहीं दिखता है वो अपना चश्मा ठीक करवा लें, जो अपना चश्मा ठीक करवा के 2013 से 2017 तक के सरकार के बजटीय प्रोविजन की तुलना 2017 से बनी हमारी सरकार के बजटीय प्रोविजन से कर ले, उन्हें पता चल जाएगा कि उत्तराखंड में किस तरीके से कामकाज किया गया है और विकास किस तरीके से किया गया है। मेरे दाई ओर हमारे प्रदेश खुशी हो रही है, खुशी इस बात को लेके हो रही है कि जिस परिवर्तन में कांग्रेस को, परिवर्तन के जो मुखिया थे उनको हरिद्वार से माँ गंगा के दरबार से उनको परिवर्तन करना था, लेकिन वो परिवर्तन करने पंजाब चले गए, तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। जहां से वो आशीर्वाद मांगने जा रहे थे उनको आशीर्वाद माँ गंगा ने दे दिया कि भाई पंजाब में पहले परिवर्तन करो, उसके बाद जो उत्तराखंड का परिवर्तन होगा वो माँ गंगा का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करेंगे, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार के 4.5 साल के कार्यों की जानकारी दी है। जोशी ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के साथ प्रदेश के विकास के लिए बेहतर कार्य किए हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की गढ़वाल मंडल की मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसौनी ने सोमवार को प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। केजरीवाल के हल्द्वानी दौरे के दौरान उत्तराखंड के युवाओं से रोजगार के संबंध में किए गए वादे को छलावा और राजनीति से प्रेरित बताया। दसौनी ने बताया कि केजरीवाल पिछले 7 सालों से दिल्ली की सत्ता संभाल रहे हैं, फिर भी दिल्ली उच्च बेरोजगारी से जूझ रही है। दसौनी ने कहा कि मई 2021 में दिल्ली में बेरोजगारी दर 45.6% तक पहुंच गई है, जो देश में सबसे अधिक है। तकनीकी रूप से मई में हर दूसरा नौकरी तलाशने वाला व्यक्ति बेरोजगार था, इसे विडंबना नहीं कहा जा सकता, तो क्या कहेंगे। राजधानी में युवा बेरोजगारी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस ने आप पर जमकर हमला बोला है। रोजगार के संबंध में अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए हैं उसको छलावा करार किया गया है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की गढ़वाल मंडल की मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसौनी ने सोमवार को प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। केजरीवाल के हल्द्वानी दौरे के दौरान उत्तराखंड के युवाओं से रोजगार के संबंध में किए गए वादे को छलावा और राजनीति से प्रेरित बताया गया है। दसौनी ने बताया कि केजरीवाल पिछले 7 सालों से दिल्ली की सत्ता संभाल रहे हैं, उसके बाद भी दिल्ली उच्च बेरोजगारी से जूझ रही है, और इसे विडंबना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। राजधानी में युवा बेरोजगारी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। विधानसभा में खाद्य मंत्री बंसीधर भगत की अध्यक्षता में खाद्य विभाग की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खाद्य मंत्री बंसीधर भगत ने खरीफ खरीद सत्र में धन क्रय के संबंध में सभी तैयारियों को पूरा कर लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंध में आवश्यक व्यवस्था की जांच परख कर ली जाए। धन क्रय केंद्र की संख्या 239 के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया, इससे संबंधित चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और अपनी आवश्यकता अनुसार इसे बढ़ा लें और साथ ही आवश्यकता अनुसार स्तर परिवर्तित कर लें। इस दौरान बैठक में कई विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। खाद्य विभाग की बैठक संपन्न हुई है। खाद्य मंत्री बंसीधर भगत की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं और सभी तैयारियों को पूरा करने के दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। खरीद गेहूं खरीद किया है,
और बहुत सुविधा के साथ काश्तकार का गेहूँ खरीदा और समय पर पेमेंट किया है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि धान की खरीद भी काश्तकार की समय से हो, सुविधाजनक तरीके से हो और उसका पेमेंट भी ढंग से हो। तो इस समय हमने कहाँ कहाँ केंद्र होंगे ये चयन कर लिया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रही है। आपको बता दें, हरीश रावत के नेतृत्व में प्रदेश भर में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। हरिद्वार के बाद कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा कलियर भगवानपुर के बाद मंगलौर पहुंची, जहां प्रदेश नेता प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल, कांग्रेस कार्यकर्ता और जनता ने भव्य स्वागत किया। वहीं मंगलौर विधानसभा में हजारों की संख्या में जनसभा का आयोजन किया गया। प्रदेश नेतृत्व में एक ही स्वर में जनता से अन्य नई पार्टियों के बहकावे में नहीं आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश में आज किसान, मजदूर, छोटे व्यापारियों से लेकर रेड़ी वाले बेरोजगार युवा सभी बीजेपी की नीतियों से तंग आ चुके हैं। इसलिए 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को ही वोट दें। देखिए, इसको आप शक्ति प्रदर्शन तो मैं नहीं कहूँगा। ये जितने भी जनसमूह जितना भी यहाँ पर आया है, ये सरकार का परिवर्तन चाहता है। ये महंगाई से त्रस्त है, ये पेट्रोल के बढ़े हुए दामों से त्रस्त है, रसोई गैस के दामों से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। आप देख रहे हैं, ये जनसमूह जो आया है इसमें युवाओं की संख्या अधिक है। सिर्फ और सिर्फ झूठ से भरे हुए हैं। इनका हाल अगर देखना है कि किस तरीके की ये सरकार चलाते हैं, ये दिल्ली में जाकर देख लीजिए कि कितना बुरा हाल दिल्ली वालों का कर दिया है। वो तो शीला दीक्षित जी के काम थे जो पिछले 5 साल इन्होंने भुना लिया। अब हकीकत लोग दिल्ली वालों के सामने आ रही है इनकी, और ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब लोकतंत्र में हर पार्टी आती है, ये भी अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनका वजूद कुछ नहीं है। लोगों में कहीं से कहीं तक इनके लिए कुछ नहीं है, झूठ से भरे हुए हैं। ये उत्तराखंड के बारे में जानते क्या है? ये कब कब इन्होंने संघर्ष किया है यहाँ के लोगों के? उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षा समन्वय समिति के द्वारा पिछले कई दिनों से चरणबद्ध तरीके से अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत आज प्रदेश भर में जिला स्तर पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। वहीं देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे प्रदर्शन में प्रांतीय पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान समिति के प्रवक्ता अरुण पांडे ने बताया कि हमारी समिति में 10 परिसंघ है, जिसमें अधिकारी कर्मचारी, चौथे श्रेणी के कर्मचारी, वाहन चालक आदि सम्मिलित हैं। हम सभी की 18 सूत्रीय मांगे हैं, जिनको लेकर के 6 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें 6 से लेकर 19 सितंबर तक जन जागरूकता कार्यक्रम किए गए हैं और आज प्रदेश भर में जिला स्तरीय प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर सरकार जल्द ही हमारी मांगों को पूरा करते हुए शासनादेश जारी नहीं करती, तो हम लोग आगामी 5 अक्टूबर को प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करेंगे, जिसमें परेड ग्राउंड से सचिवालय तक कूच किया जाएगा। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के द्वारा पिछले कई दिनों से चरणबद्ध तरीके से अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत आज प्रदेश भर में जिला स्तर पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। वहीं देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे प्रदर्शन में प्रांतीय पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया है। इस दौरान समिति के प्रवक्ता अरुण पांडे ने बताया कि हमारी समिति में 10 परिसंघ है, जिसमें अधिकारी कर्मचारी, चौथे श्रेणी के कर्मचारी, वाहन चालक आदि सम्मिलित हैं। हम सभी के 18 सूत्रीय मांगे हैं, जिनको लेकर के 6 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें 6 से लेकर 19 सितंबर तक जन जागरूकता के कार्यक्रम किए गए हैं और आज प्रदेश भर में जिला स्तरीय प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर सरकार जल्द ही मांगों को पूरा नहीं करती है, शासनादेश जारी नहीं करती, तो हम सभी लोग आगामी 5 अक्टूबर को प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करेंगे, जिसमें परेड ग्राउंड से सचिवालय तक कूच किया जाएगा। देखिए, हमारे ये तमाम सारे लगभग 10 परिसंघ हैं, जिन्होंने एकत्र होकर के एक उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति का गठन किया है
और हमारी 18 सूत्री मांग पत्र है जिसमें पूरे प्रदेश के चतुर्थी से लेकर के वाहन चालक, निगम कर्मचारी, निकाय कर्मचारी, विश्वविद्यालय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी सबकी मांगे एकत्र हैं। को प्रभावित करने का कुछ चक्र कर रहे हैं, ये उससे अलावा और कुछ नहीं है, ये सबके संज्ञान में आ जाना चाहिए। पदाधिकारी आते हैं। देहरादून के कुछ इलाकों में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हो गए हैं। लगातार पाइपों के अंदर पीने का गंदा पानी आ रहा है, जिसको लेकर के आज महानगर के विभिन्न वार्डों में गंदे पानी की समस्या को लेकर महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश रमन, पूर्व विधायक राजकुमार, डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने नेहरू कॉलोनी स्थित जल संस्थान पर धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ गंदे पानी की समस्या का समाधान जल्द ही नहीं हुआ तो तालाबंदी करने की चेतावनी दी गई है। पाइपों के अंदर से गंदा पानी आ रहा है, लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती चली जा रही है। देहरादून के कुछ इलाकों में लगातार गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं लोग, लगातार उनकी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। इसको लेकर के महानगर के विभिन्न वार्डों में गंदे पानी की समस्या को लेकर के महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश रमन, पूर्व विधायक राजकुमार, डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने नेहरू कॉलोनी स्थित जल संस्थान पर धरना प्रदर्शन किया है और ज्ञापन भी सौंपा गया है। साथ ही साथ चेतावनी दी गई है कि अगर लोगों की समस्या को जल्द से जल्द दूर नहीं किया गया तो तालाबंदी करने की चेतावनी यहां पर दी गई है। गंदे पानी पीने को मजबूर हो गए हैं यहां के लोग, अगर जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो तालाबंदी करने की चेतावनी यहां पर दी गई है। शहर के अंदर इन्होंने खुदाई करके डाल दिया जल संस्थान वालों ने और गंदा पानी आ रहा है। जो हमारी पानी की लाइनें थी वो टूट चुकी हैं, उसकी वजह से आज हम लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए थे। तमाम हमारे जितने भी शहर के वार्ड हैं, जितनी भी जगह, चाहे नेहरू कॉलोनी ले लीजिए, इंदिरा कॉलोनी ले लीजिए, चुप्पू मोहल्ला ले लीजिए, मच्छी बाजार ले लीजिए, तमाम जगहों पर गंदा पानी आ रहा है, सीवरेज का पानी आ रहा है और जितने भी अफसर हैं कोई हीला हवाली करने पे लगे हुए हैं, कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है बहुत अच्छा काम हो रहा है पर कहीं काम तो दिखाई नहीं दे रहा। पूरे शहर के अंदर गंदे पानी को लेकर के तमाम आज हमारे जितने भी कांग्रेस के साथी थे यहाँ धरना देकर के इनको ज्ञापन भी दिया, उनको चेतावनी भी दी है कि अगर आप इसको जल्द से जल्द दुरुस्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरे शहर की समस्या है। गंदे पानी आज आम पब्लिक को बिसलेरी की बोतलें कितनी खरीदेंगी। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए भारी तादाद में तीर्थयात्रियों के रजिस्ट्रेशन कराने पर प्रदेश के पर्यटन और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि शुरुआत में चार धाम यात्रा के लिए 42,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जो कि एक अच्छा संकेत है। पर्यटन मंत्री ने यह भी कहा कि चार धाम यात्रा के लिए लोग इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि अपने घरों में बंद महसूस कर रहे हैं। चार धाम यात्रा के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इसको लेकर के खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा यात्रा पर इसलिए आना चाहते हैं कि कोरोना काल की वजह से लोग अपने घरों में बंद हो चुके थे, इसलिए लोग यात्रा पर आना चाहते हैं। जो यात्री हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मौसम विभाग से उसका जो फोरकास्ट है उसकी सूचना लेने के बाद ही यात्रा शुरू करें। और हमने जगह जगह हमारे एससी और हमारे जो चीफ हैं हर जिले के अंदर वो पहुंच गए हैं, सब जगह तैनात हो गए हैं और इस समय हमने जो हमारे गड्ढे हैं उनको भरने का भी हमने अभियान चलाया है कि जगह जगह जो हैं पॉट होल्स को भरे जाएँ, तो उसका भी वहाँ अभियान चल रहा है हमारा। नहीं, उसके लिए हमारी जेसीबी तैनात हैं, जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड होता है, जहाँ जहाँ भी एवलांच आ रहा है, तो उसके लिए हमारी जेसीबी तैनात हैं, हम 2-3 घंटे में रास्ता खोल देते हैं।
सतपुली में थाना अध्यक्ष संतोष पेथावल के ट्रांसफर होने पर पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने विदाई समारोह आयोजित किया। इस मौके पर थाना अध्यक्ष के सराहनीय कार्यों के लिए फूलमाला और उपहार से उन्हें सम्मानित किया गया। इसके साथ ही लोगों ने बताया कि थाना अध्यक्ष ने न केवल सतपुली में प्रशासनिक कार्यों को बखूबी निभाया है बल्कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। थाना अध्यक्ष ने पुलिसकर्मियों और लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि ये यहां मिले प्यार और सम्मान को मैं भुला नहीं पाऊंगा। थानाध्यक्ष के लिए विदाई समारोह का आयोजित किया गया। फूल माला पहना करके विदाई समारोह कार्यक्रम का समापन किया गया। थानाध्यक्ष ने सभी का आभार जताया है। चमोली जिले की नारायण बगर क्षेत्र में देर रात से हो रही भारी बारिश के चलते दर्जनों गाड़ी मलबे की चपेट में आ गई और भारी नुकसान हुआ। वहीं मजदूरों के टेंट भी क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि इससे किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। अतिवृष्टि की इस घटना से सभी लोग दहशत में आ चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त ये बादल फटने की घटना अभी सुबह सुबह है। चमोली जिले के नारायण बगर क्षेत्र में देर रात से हो रही भारी बारिश के चलते दर्जनों गाड़ी मलबे की चपेट में आ गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आएगा, जिससे भारी नुकसान भी हुआ है। वहीं मजदूरों के टेंट भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हालांकि इससे अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। अतिवृष्टि की इस घटना से सभी लोग दहशत में आ गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो मजदूर वहां पर रह रहे थे उनके टेंट पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आफत की बारिश यहां पर बरसी है जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा आपको नजर आ रहा होगा। रुड़की के गंग नहर में एक नाबालिग से कुकर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि नाबालिग बच्चा कथित मौलाना के पास तालीम हासिल करने के लिए जाता था। बताया गया है कि कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले के परिवार ने पुलिस को नामजद तहरीर देकर के बताया कि उनके 13 साल के बेटे के साथ मौलाना मुकर्रम ने कुकर्म किया है। बच्चा रोजाना मौलाना के पास दीनी तालीम हासिल करने के लिए जाता था। वहीं फिलहाल पीड़ित परिवार ने अधिकारियों से गुहार लगाते हुए बताया कि दमंग मौलाना का परिवार उन पर डरा धमका करके फैसला करने का दबाव बना रहा है। उन्होंने आरोपी को बड़ी कड़ी सजा देने की मांग की है। मौलाना ने नाबालिग के साथ कुकर्म किया है, 13 साल के बच्चे के साथ कुकर्म किया गया है। अब पीड़ित परिवार अधिकारियों से गुहार लगा रहा है कि जल्द से जल्द जो अपराधी है उसे कड़ी सजा दी जाए। पड़न ज्यादा हुआ थी, अब फिर दूध लेने ज्यादा हुआ थी और उसको रात को पकड़ा है, 3-4 बार पकड़ा है उसको, कई बार खराबी साथ। अब फिर रामपुर वाले जो अच्छे सारे मुझे कह रहे हैं कि भाई कहना है फैसला कर लो। मॉल में क्या नाम है उसका? मॉल का मुकर्रम। पहले भी ऐसी कोई घटना सूचना प्राप्त हुई थी, लेकिन तहरीर उसमें एक 13 वर्षीय बालक के साथ एक मौलवी ने कुकर्म करने का ऐसा आरोप उन्होंने अंकित किया। उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया, मेडिकल कराया गया बच्चे का और आरोपी को अरेस्ट कर लिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।